2011 में मोरल ट्रैफिक का और उस वक्त गांधी मैदान थाना कांड से 134 मुकदमा दर्ज हुआ था और वो जो केस दर्ज हुआ था वो अंडर सेक्शन 2 में ही इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 2A ही उस केस में इमोरल ट्रैफिकिंग के भी मामले थे और फिर एक्साइज एक्ट के भी वो सेक्शन उसमें लगे थे और ये 2011 में दर्ज हुआ था। 2013 में हमारी पुलिस ने चार्जशीट सबमिट किया था। अब देखिए कि करीब 7 साल 8 साल बीत गए अभी तक उस केस में कहा जाए कि सेटिस्फैक्ट्री जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए वो नहीं है। हम लोग को ये लगता है कि उस केस में जो 17 या 18 करीब उसमें एक्यूज हैं वो एक्यूज पर्सन उसमें वन ऑफ द जो एक्यूज पर्सन थे वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग में तो कहीं ना कहीं इस बात की प्रबल संभावना है कि जांच प्रभावित होगा। तो हम लोगों ने इस आशय का पिटीशन बीजेपी महोदय को दिया है कि इस केस को स्पीडी ट्रायल कराया जाए ताकि जो विक्टिम है उनको हम जस्टिस एंश्योर ऑनलाइन कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो एक लॉ का फ्रेजेस है जस्टिस के लिए जस्टिस मिल जाए वो यहाँ पे लागू हो जाए। विक्टिम्स को जस्टिस इंश्योर ऑन टाइम कराने के लिए हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल इस केस में 134/11 जो PSA उस केस को स्पीडी ट्रायल कराने के लिए हम लोगों ने किया था ताकि विक्टिम्स का जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो उसको टाइम पे इंश्योर उन्होंने जब हम लोगों ने पिटीशन दिया वो बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने लिया इस चीज़ को और हम लोग बिल्कुल बढ़िया होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी किस तरह से महिला उत्पीड़न के मामले हम लोगों के सामने आते हैं और आगे भी आएंगे हम उन मुद्दों को लेंगे लगातार हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे क्योंकि जो मामला 2011/134 का जैसा कि अंजुम जी ने कहा देह व्यापार अधिनियम से जुड़ा मामला है और जो एक्यूज्ड है वो पॉलिटिकली काफ़ी मजबूत माना जाता है तथा कथित तौर पे मगर ये हमारा भी मानना है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो रहा है काम करने का तरीका कि कतई कहीं देर हो सकती है मगर निश्चित तौर पर वो एक्यूज्ड जो है उसको पनिशमेंट मिलेगा और वो जो महिलाएं हैं जो उस समय हुई थी विक्टिम वो उनको न्याय मिल सके इसी के रिक्वेस्ट के लिए हम DGP के पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुरंत हम स्पीडी ट्रायल भी कराएंगे। जारी रहेगा जब भी महिलाएं विक्टिमाइज होंगी देखा जाए ऐसा नहीं है शायद बाकायदा जानकारी होने के बाद अगर मीडिया यहाँ उपस्थित हुई है तो उसे लग रहा है कि सत्ताधारी दल के लोग नहीं आते हैं मुद्दों को लेके मगर हम ग्रामीण स्तर से लेके और ऊपर के स्तर तक लगातार जो जिनके संज्ञान में मामला आता है उत्पीड़न का मामला हो केस हो या जो भी सोशल काम होते हैं उसको लेके हम सदैव निरंतर कार्य करते रहते हैं। जनता उम्मीद करे कि अब प्रवक्ता पार्टी का स्टैंड के अलावा इस तरह के मुद्दों को सरकार निश्चित तौर पर जो भी मुद्दे आएंगे और चूंकि हम महिला हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस तरह के मामले आगे भी आएंगे और आप तमाम लोकतंत्र के चौथे खंभे से भी मेरा अनुरोध है कि आप इसमें जो सामाजिक भूमिका है उसमें आप सहयोग करें ताकि जो जिन महिलाओं की बच्चियों की आवाज़ दबी रह जाती है वो उनको हम न्याय दिला सकें।